गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर कुमार प्रनीत गोयल एंड आई एम योर पेपर फर्स्ट मेंटर। मैं आपका डॉक्टर कुमार प्रनीत गोयल पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ते हैं यहाँ पर। और जल्दी से आज हम जो जिक्र करने वाले वो प्री रेफिलाइट पोएट्स का जिक्र करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट 2024। अगर ये टारगेट रखा है तो मैं पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों की तैयारी आपको कराता हूँ। इन दिस क्लास आई विल गिव यू ऑल 2023 टू 2004 लास्ट 18 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। आई विल गिव यू हियर ऑल द क्वेश्चंस you will get here, and you know my name is also Tricky Guruji because I tell you different tips and tricks in paper 1 and paper 2 both. Paper 2 code number 30 English literature I take the classes, and paper 1 all 10 units. Paper 1 mein jo unit hai teaching aptitude, iske 5 question aate hain। दूसरी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम पैसेज बोलते हैं, 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। फोर्थ यूनिट पेपर 1 में कम्युनिकेशन की है, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल रीडिंग एप्टीट्यूड शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर आपने मेरी मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड की क्लास की है डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल के नाम से, आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और जो जो लोग लाइव आ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी सिटीज का नाम लिखेगा, कहां कहां से बिलोंग करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इंडियन लॉजिक्स की ट्रिक्स मैं आपको कराता हूं 6 यूनिट में, और आज इसकी एक स्पेशल 2 आवर का सेशन चलने वाला है, 2 घंटे का, जिसमें आपको मैं मूड्स एंड फिगर्स ये वाली कुछ टिप्स और ट्रिक्स कराऊंगा जो आज तक आपने नहीं की होंगी। और उसके लिए आपको एक तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ या व्हाट्सएप नंबर 9837282318 पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको उस क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो लिंक के बिना आप नहीं जुड़ पाएंगे। ये हमारे अपने ऐप पर होता है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज की क्लास 9 बजे से 11 बजे तक होगी, और ये स्पेशल क्लास है, इसे ड्रॉप मत कीजिएगा। 7वीं यूनिट डाटा इंटरप्रिटेशन की है, जिसमें हम आंकड़े वाले सवाल करते हैं। 8वीं यूनिट ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। 9वीं यूनिट पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, जिसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा MDG और SDG गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी मैं जल्द आपके लिए एक ट्रिक लेके आने वाला हूं। फिर 10वीं यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, ये मेरी 10वीं यूनिट है पेपर फर्स्ट की। और अब जो हम बात कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें निसिम स्किल, मुल्क राजानंद, कमला दास हम डिस्कशन कर चुके हैं, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल कॉलरिज, चार्ल्स, और पिछले सालों के क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, इसका सिलेबस बता देता हूं। सिलेबस कोड नंबर 30 इंग्लिश का 10 यूनिट का है, लेकिन इसमें से जैसे मैंने आपको बताया अभी पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट से, 10 यूनिट है। इसी तरह पेपर 2 में भी 10 यूनिट है, लेकिन हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 यूनिट से, यानी 100 क्वेश्चन तो होते हैं आपके पेपर 2 के, और 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 के। पेपर 2 जो इंग्लिश का आपका है
उसमें पहली यूनिट है ड्रामा, सेकंड पोएट्री, थर्ड है फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, फोर्थ है नॉन फिक्शनल प्रोज। और इन चार यूनिट्स में से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज टाइप सवाल आते हैं और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने होते हैं। फिफ्थ यूनिट है लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड पेडागोजी इंग्लिश इन यूज। सिक्स्थ यूनिट है इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश रिवॉल्यूशन एंड इंग्लिश फ्यूचर्स। सातवीं यूनिट है कल्चरल स्टडीज। आठवीं यूनिट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये यूनिट हमने अभी शुरुआत की है जिसमें हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे गोथिक स्कूल, सेटेनिक स्कूल, लेक स्कूल, प्री रेफलाइट, ये क्या होते हैं वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। लिटरेरी थ्योरीज पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद नौवीं यूनिट है। रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश, ये हमारा दसवां यूनिट है, ठीक है। और यहां जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्री रेफलाइट पोएट्स। प्री रेफलाइट पोएट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेजर स्कूल ऑफ पोएट और ड्रामेटिस्ट के टोटल 12 स्कूल है, जिसमें अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है तो मेटाफिजिकल पोएट, कैवेलियर पोएट, लेक स्कूल पोएट हम डिस्कस कर चुके हैं, कोकने स्कूल और सेटेनिक स्कूल कल हमने डिस्कस किया था। आज हम प्री रेफलाइट पोएट्री और 30 पोएट्स के बारे में और यूनिवर्सिटी विट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इन कमिंग डेज वी विल डिस्कस अबाउट गोथिक स्कूल, एब्सर्ड थिएटर, प्रॉब्लम प्ले राइट एंड किचन सिंक ड्रामा एज वेल। तो टुडे आवर टॉपिक विल बी फोकस्ड ऑन प्री रेफलाइट एंड 30s पोएट। ओके, जस्ट टाइप योर सिटी नेम इन द कमेंट बॉक्स। और मेरा चैनल है A2Z करियर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड द लीडिंग फिगर अमंग प्री रेफलाइट पोएट। प्री रेफलाइट पोएट में कौन मेन फिगर था, यानी लीडर था उनका, लीडिंग फिगर थे, हु वाज ही। इसका ऑप्शन ABCD करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। शाहिदा परवीन गुड इवनिंग। डांटे गैब्रियल रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी, एलग्रेनोन चार्ल्स स्विनबर्न और विलियम मॉरिस, लीडिंग फिगर कौन है? लीडिंग फिगर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता है तो। डांटे गैब्रियल रोसेटी, दांते भी बोलते हैं, दांते आपने सुना होगा, दांते, दांते गैब्रियल रोसेटी इसकी लीडिंग फिगर है प्री रेफलाइट पोएट की। प्री रेफलाइट पोएट, इसे हम प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेनली ये 7 भाईचारा ग्रुप था, 7 लोग थे। और इसमें क्या था, इसमें खाली पोएट नहीं थे, इसमें इंग्लिश पेंटर, पोएट, आर्ट क्रिटिक्स भी थे। और ये 1848 में बनाया गया था। प्री रेफलाइट ये बाद में कहा गया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम प्री रेफलाइट ब्रदरहुड था, ठीक है। और समटाइम्स इसे PRB शॉर्ट फॉर्म में PRB के नाम से भी जाना गया। इसमें जो पहले थे विलियम होलमन हंट, कहते हैं इन्होंने ये प्री रेफलाइट ब्रदरहुड बनाया था, वो पेंटर थे, वो पोएट या इंग्लिश से उनका कोई नाता नहीं था, बट ही वॉज ए पेंटर। दूसरे थे जॉन एवरेट मिलाइस। तीसरे ये मेन थे, मेन लीडिंग फिगर थे, जिनका नाम जानते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, दांते गैब्रियल रोसेटी। चौथे थे विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन,
फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंसन और थॉमस वुलनर, ये सेवन मेंबर ब्रदरहुड कहलाए पार्टी, ठीक है, सात लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। अब थोड़ा सा पहले हम दांते गैब्रियल रोसेटी के बारे में जान लेते हैं। 1828 में इनका जन्म हुआ और 1882 में इनका निधन हो गया। ये एक प्रोमिनेंट फिगर थे प्री रेफ्लाइट पोएट्स के, इंग्लिश पोएट और आर्टिस्ट का यह ग्रुप था, एंड दे रिवाइव द आर्टिस्टिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ इटालियन रिनाइजेंस। ये एक बदलाव लाए थे आर्टिक प्रिंसिपल्स में इटालियन रिनाइजेंस का। डांटे गैब्रियल बोर्न इन लंदन इन इंग्लैंड इन 1828 ऑन मे 12, और ये एक इटालियन डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी डेथ 9 अप्रैल 1882 को ही ब्रिंजटन ऑन सी इंग्लैंड में। ही वाज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के फाउंडिंग मेंबर्स में से ये थे, ठीक है, और इनके साथ इनके भाई विलियम माइकल रोजेटी इनके ब्रदर थे, और फ्रेंड जॉन एवर्ट मिलिस और विलियम होलमैन हंट इनके साथ थे। इनका फेमस वर्क जिसे आपको जानना है वह द ब्लेस्ड डेमोजल, 1850 में लिखा इन्होंने द ब्लेस्ड डेमोजल। रोजेटी की दांते, डेनियल रोजेटी की ये पहली पोएम्स में मानी जाती है। दिस वर्क रिफ्लेक्ट हिज फैसिनेशन विद द मिडवल थीम एंड डिपिक्ट्स ए वुमेन इन हेवन लॉन्गिंग फॉर हर लवर ऑन अर्थ। एक स्वर्ग की अप्सरा चाहती है अपने लवर को, अपने प्रेमी को जो अर्थ पे रहता है। द ब्लस्ट डेमोजल में ये पोयम इन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी? डांते गैब्रियल रोजेटी ने। गोबलिन मार्केट 12 साल बाद, ये बड़ा फेमस नैरेटिव पोयम है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे नैरेटिव पोयम क्या है, अगर आपको ध्यान हो, नैरेटिव पोयम जिसमें कहानी कही जाए, गोबलिन मार्केट एक नैरेटिव पोयम है। इसमें दो बहनें थी, लोरा एंड लिज्जी, एंड एक्सप्लोर थीम ऑफ टेम्पटेशन, साल्वेशन और सेक्रीफाइस। उन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया, इस बारे में, इनके बारे में था। जैसे आपको गोबलिन मार्केट के दो मेन कैरेक्टर कौन थे, तो आपको इस बात को याद रखना है, अपने नोट्स बना लिया करो, ठीक है ना। जैसे आप नोट्स क्या बनाएंगे, नोट्स में आपने बना लिया दांते गैब्रियल रोजेटी, और वो कब पैदा हुए, 1828 में। भाई ईयर बहुत है, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। 1882 में मर गए। देखो इसे याद करने का बड़ा आसान तरीका है, आपको याद कैसे रहेगा, देखो भाई 28 में मरे और 28 का उल्टा 82 में खत्म, 28 में पैदा हुए 82 में खत्म। ले भाई ठाड़ा ठारा, देखो कितनी जल्दी थे एक सिस्टमेटिक वे में। जब आप जन्म वर्ष और डेथ वर्ष याद करते हैं और ये पूछ लिया जाता है कौन कब आया, किस समय आया, तो वो आपको चीज याद रहेगा। एक थोड़ा सा पोएट्स को ये याद रखना वो किस समय के पोएट हैं। अच्छा ये अब अगर मैं बात करूं, ये बताओ विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद के या पहले के हैं, जरा सोच के बताओ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद के हैं, पहले के हैं, कॉन्टेम्परेरी, इसे कहा जाता है समकालीन। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पता होना चाहिए आपको, तभी आप बता पाओगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो इस बात को, ठीक है। तो गोबलिन मार्केट और ब्लेस्ड डेमोदल, हेवन की एक अप्सरा अपना प्रेमी चाहती है धरती पर, और गोबलिन मार्केट में लोरा और लिज्जी दो बहनों की कहानी, उनका टेम्पटेशन, साल्वेशन और सेक्रीफाइस की कहानी है। इनका एक फेमस और वर्क और है सोनेट एंड सॉन्ग्स।
रोजाडी की कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, इसमें सोनेट और लिरिकल पोएम्स है, शोकेसिंग हिज रोमांटिक एंड सम टाइम्स मेलंकोलिक थीम। इन्होंने दो थीम को लिया, रोमांटिक और मेलंकोलिक। फिर इनका एक चौथा फेमस वर्क है द हाउस ऑफ लाइफ। ये एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन 1870 से 1881 के बीच कभी ये पब्लिश हुआ। इसकी जो थीम थी लव, ब्यूटी एंड पैसेज ऑफ टाइम। रोजेटी के पोएटिक करियर का ये एक मेजर अचीवमेंट है द हाउस ऑफ लाइफ। पांचवी थी इनकी बेटा बिट्रिक्स। बेटा बिट्रिक्स, इट इज नॉट ए लिटरेरी वर्क, ये लिटरेरी वर्क नहीं था। 1870 से 1872 के बीच ये रोजेटी ने एक पेंटिंग बनाई थी अपनी पोएट्री से कनेक्ट करके। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा, चार दे देगा, गोबलिन मार्केट, सोनेट एंड सॉन्ग, हाउस ऑफ लाइफ, बेटा बेट्रिक्स, इनमें से कौन सी उसकी पोएटिक वर्क नहीं है, तो बताओ सीधे जल्दी से आंसर लगाओ। बेटा बेट्रिक्स उनका पोएट्री वर्क नहीं है, जो उन्होंने पोएट्री लिखी उसके ऊपर एक पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। इट डिपिक्स बेट्राइस फ्रॉम डांटे एलिगरी डिवाइन कॉमेडी। दांते की, दांते आपने नाम सुना होगा, और डिवाइन कॉमेडी ये बहुत फेमस बुक है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो डिवाइन कॉमेडी को किसने लिखा, दांते, ठीक है, इनका पूरा नाम दांते गैब्रियल रोजेटी। उस थीम पे इन्होंने पेंटिंग बनाई थी बेटा बेट्रिक्स, ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स प्री रेफ्लाइट एस्थेटिक। इज इट क्लियर? विच प्री रेफ्लाइट पोएट वाज नोन फॉर हिज फैसिनेशन विद मिडवल थीम्स एंड ऑर्थेरियन लिगेंड। कौन थे ये प्री रेफ्लाइट पोएट है जिनका फैसिनेशन मिडवल थीम और ऑर्थोरियन लिजेंड्स को इन्होंने लिया था? इट इज डेफिनेटली दांते, दांते गैब्रियल रोजेटी। और भाई जरा कमेंट बॉक्स में जरा लिख दिया करो भाई कि भैया क्लास कैसी लगी, और क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख दिया करो भैया, ठीक है, फटाफट आंसर लिख दिया करो। हु रोट द फेमस पोएम गोबलिन मार्केट विच इज ऑफन रिगार्डेड एज ए मास्टर पीस ऑफ प्री रेफ्लाइट पोएट्री? गोबलिन मार्केट पोएम किसने लिखी थी? ये तो आपको पता ही है, दांते गैब्रियल रोजेटी ने इस पोयम को लिखा, दांते गैब्रियल रोजेटी ने। विच प्री रेफ्लाइट पोएट वाज नोन फॉर हिज सेंसुअल डेकाडेंट थीम ऑफन एक्सप्लोरिंग टैबू सब्जेक्ट। एक तरह से टैबू सब्जेक्ट लेके प्री रेफ्लाइट पोएट ने अपनी सेंसुअल और डिकाडेंट थीम पर पोएट्री लिखी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एल्गरनन चार्ल्स स्विनबर्न। एल्गरनन चार्ल्स स्विनबर्न। 7 बजे का ये टाइम लिख लीजिए यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास का मेरी, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर इंग्लिश लिटरेचर टेस्ट योर सेल्फ हियर। एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न बोर्न इन 1837 एंड डाइड इन 1909 वाज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट एंड क्रिटिक एसोसिएटेड विद प्री रेफ्लाइट मूवमेंट। His work are known for their rich, elaborate style
एज वेल एज देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ सेंसुअलिटी, डेकाडेंस एंड माइथोलॉजिकल थीम। इनके फेमस वर्क कौन से थे? इनके फेमस वर्क थे पोयम एंड बैलड्स। 1866 में इन्होंने लिखा। स्विनबर्न ने इसी से फेम भी पाई और कंट्रोवर्सी भी, क्योंकि इनकी थीम बहुत ज्यादा बोल्ड थी उस समय के हिसाब से। बोल्ड थीम थी, सेंसुअल थीम थी, पोयम एंड बैलेट्स। फेम भी मिला और उसका विरोध भी झेलना पड़ा। द पोयम वर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर विविड इमेजिनरी एंड डिपार्चर फ्रॉम विक्टोरियन कन्वेंशन। विक्टोरिया युग से हटके इन्होंने इमेजिनरी पावर बताया था क्या होने वाला है। दूसरी इनकी पोयम थी एटलांटा इन कैलिडोन 1865 में। ये एक ट्रेजेडी थी दैट ड्रॉ ऑन क्लासिकल ग्रीक थीम। ये क्लासिकल ग्रीक थीम और माइथोलॉजी पे थी। स्विनबर्न का ये पहला वर्क माना जाता है 1865 में, मतलब पोयम और बैलेड से भी पहले इन्होंने लिखा था। और उनका माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट में क्या विश्वास था, और ग्रीक माइथोलॉजी पर ही ज्यादातर लोग लिखा करते थे। सॉन्ग्स बिफोर सनराइज, सूर्यास्त से पहले सॉन्ग, ये स्विनबर्न ने इसमें पॉलिटिकल और सोशल व्यूज को डिस्क्राइब किया। ऑफन एडवोकेटिंग रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन आइडियल्स, इन्होंने क्रांतिकारी और रिपब्लिक आइडिया, गणतंत्र आइडिया को प्रमोट किया, आइडियोलॉजी को अपनाया इस पुस्तक में। सॉन्ग्स बिफोर सनराइज, पोयम रिफ्लेक्ट हिज पैशनेट एंगेजमेंट विद कॉन्टेम्प्रेरी इशू, क्योंकि ये उस समय का बहुत इशू था, कॉन्टेम्प्रेरी इशू चल रहा था कि रिपब्लिक होना चाहिए, रिवोल्यूशन चल रहा था, तो इनका उस बात पर भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा। त्रिस्त्राम ऑफ लिनोसी 1882 में लिखी। ये एक नैरेटिव पोयम है, रीटेलिंग ऑफ ट्रिस्टान एंड आइजल्ट लीजेंड। ये जो कैरेक्टर है ट्रिस्टान और आइजल्ट लीजेंड, इनके बारे में एक नैरेटिव पोयम है ये। सो कैसिंग हिज मास्टरी ऑफ लैंग्वेज एंड पोएटिक फॉर्म, उनकी लैंग्वेज में कितनी मास्टरी थी और जो पोएटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, ये त्रिस्त्राम ऑफ लियोनेसी में इन्होंने दिखाया। स्विनबर्न की पोएट्री म्यूजिकलिटी, विविड इमेजिनरी और एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरबिडन एंड अनकन्वेंशनल थीम, जिन चीजों को भुला दिया हमने उन चीजों को इन्होंने रिवाइव किया। हु रोट द पोयम ब्लेस्ड डेमोजेल, प्री रेफलाइट इंटरेस्ट इन मिडवल थीम एंड रिलीजियस सिंबलिज्म। ब्लेस्ड डेमोजेल को किसने लिखा था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताया करें। ब्लेस्ड डेमोजेल वाज रिटन बाय दांते गैब्रियल रोसेटी, दांते ने ही इस पोयम को लिखा था। ब्लेस्ड डेमोजेल गोबलिन मार्केट, ये हम जिक्र कर चुके हैं। ब्लेस डेमोजेल में एक अप्सरा धरती के आदमी से प्यार करती है, और गोबलिन मार्केट में लोरा और लिजी दो सिस्टर की स्टोरी है, एक नैरेटिव पोयम है। सोनेट सॉन्ग्स हाउस ऑफ लाइफ और बेटा बैट्रिक्स। अच्छा, बेटा बैट्रिक्स के बारे में क्या बताया था मैंने, ये पोयम नहीं है तो क्या है, ये पोएट्री से रिलेटेड एक पेंटिंग है। बिल्कुल सही आपने बोला। विथ प्री रेफलाइट पोएट वॉज एसोसिएटेड विद द आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट एंड रोट पोएट्री दैट ऑफन फोकस ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। आर्ट और क्राफ्ट मूवमेंट के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल व्यूज पे, इश्यूज पे पोएट्री भी लिखी। इनका आर्टिस्टिक स्टाइल बड़ा यूनिक होता था। व्हाट वाज हिज नेम, ये भी प्री रेफलाइट पोएट है, इनका नाम है विलियम मॉरिस। पेंटर प्लस पोएट ये दोनों ही थे, विलियम मॉरिस।
विलियम मॉरिस 1834 में पैदा हुए, 1896 में इनका निधन हो गया। ठीक है, मॉरिस वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो डिजाइनर, क्राफ्टमैन एंड सोशल एक्टिविटीज। इनका एक वर्क है द डिफेंस ऑफ ग्यूनेवरे एंड अदर पोएम्स, 1858 में इन्होंने लिखा। मॉरिस की पहली कलेक्शन ऑफ पोएट्री है मिडवल थीम और आर्थुरियन लिजेंड के ऊपर, जो इन्होंने प्री रेफ्लाइट स्टाइल में लिखी है, द डिफेंस ऑफ ग्यूनेवरे एंड अदर पोएम्स। विलियम मॉरिस का एक फेमस वर्क और है द अर्थी पैराडाइस। जैसे पैराडाइस लोस थी, पैराडाइस रीगेन थी, ऐसी अर्थी धरती का स्वर्ग एक एपिक पोयम इन्होंने लिखी, जो सीरीज ऑफ नैरेटिव पोयम थी बेस्ड ऑन क्लासिकल एंड मिडवल सोर्सेज। इससे उनका स्टोरी टेलिंग में और माइथोलॉजी में क्या विश्वास है, उस चीज को इस पोयम में दर्शाया गया। लव इज एनफ और द फ्रीइंग ऑफ फेरामोंड 1873 में लिखी, ये एक पोएटिक ड्रामा था, मॉरिस ने लिखा। इसमें सोशलिस्ट आइडियल्स और लव कुड ओवरकम सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिकल झगड़े, सोशल झगड़ों को लव की थीम पर इन्होंने लिया था। लव इज एनफ, न्यूज फ्रॉम नोवेयर 1890 में पब्लिश हुई। इट वॉज नॉट ए पोयम, इट वॉज ए यूटोपियन नोवल रिटन बाई मॉरिस। बट ये कहा जाता है कि ये इनके बाद में, इन्होंने सोसाइटी के ऊपर लिखा उस समय। हु अमंग द फॉलोइंग प्री रेफ्लाइट पोएट हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन पोएट्री। सिंबोलिस्ट मूवमेंट को पोएट्री में, प्री रेफ्लाइट पोएट्स में थे, किसने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, इनका नाम था एल्गर्नन चार्ल्स स्विनबर्न, विच प्री रेफ्लाइट पोएट एक्सप्लोर्ड थीम ऑफ लव, डेथ एंड सुपर नेचुरल इन वर्क्स एज रिमेंबर और द ब्लीक मिड विंटर। इसमें प्यार, मृत्यु और सुपर नेचुरल, मतलब ऐसी ताकतों के बारे में लिखा जो सुपर नेचुरल है। प्री रेफ्लेक्ट पॉइंट रही है ये, रिमेंबर और ब्लीक मिड विंटर। इनका नाम क्या, इनका नाम है क्रिस्टीना रोजेटी। हु फाउंडेड द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड की स्थापना किसने की, एंड ही एम टू रिफॉर्म आर्ट बाय रिजेक्टिंग एकेडमिक कन्वेंशन एंड रिटर्निंग द टेक्निक्स ऑफ मिडवल पेंटर्स। इनका नाम तो आप बता ही सकते हैं, दांते को प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड का जनक माना जाता है, दांते गैब्रियल रोजेटी। विच प्री रेफ्लाइट पोएट वाज आल्सो नोन फॉर हिज वर्क एज ए पेंटर एंड एसोसिएटेड विद द पेंटिंग ओफलिया। ओफलिया पेंटिंग के लिए फेमस है, ये पेंटर और ये पोएट भी है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है दांते गैब्रियल रोजेटी। इन्होंने ओफलिया नाम की पेंटिंग भी की थी दांते। अब कुछ बात करते हैं 30s पोएट, 1930 के आसपास के, प्री रेफ्लाइट के बाद के पोएट्स हैं और ये ज्यादातर अमेरिकन पोएट्स माने गए हैं।
ज्यादातर आपने देखा होगा, एक्चुअली क्या है, 1776 में 4 जुलाई को इंग्लैंड के पंजे से आजाद हुआ था अमेरिका, तो उसी के बाद ये मूवमेंट बढ़ा। और इनके पोएट्स को, क्योंकि हम ये कहते हैं अमेरिका वाले इंग्लिश पढ़ते नहीं, इंग्लैंड वालों का कब्जा इंग्लिश पे था, बाद में ये पोएट आए, तो 1930s के समय अमेरिकन पोएट्स का वर्चस्व रहा। एक प्रोमिनेंट पोएट है, प्ले राइटर है 1930s के, और उनका वर्क है ग्लास मेनेग्री एंड स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। ये किसने लिखा, इनका नाम क्या था? इनका नाम था टेनसी विलियम्स। टेनसी विलियम्स, टेनसी विलियम अमेरिकन पोएट ही नहीं, एक प्ले राइट भी थे, मतलब ये ड्रामा लिखते थे। थॉमस लेनियर विलियम थर्ड 1911 में पैदा हुए थे, कोलंबस मिसिसिपी में, और ये अपने प्लेज के कारण जाने जाते थे, जैसे शेक्सपियर जाने जाते हैं। इनका फेमस वर्क था ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। ये 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ये पब्लिश हुआ था, ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। इस प्ले पर इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार सबसे बड़ा ड्रामा का इन्हें मिला था। अमेरिकन थिएटर का क्लासिक प्ले ये बोला जाता है, विच प्रीमियर्ड इन 1944, 1944 में ये पहली बार प्रीमियर किया गया था। इसकी थीम में डिजायर, मेंटल इलनेस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन थी। नहीं बेटा, ये सारी YouTube चैनल पे होती हैं। पेपर टू की क्लास मेरे YouTube चैनल ए टू जेड करियर्स पर होंगी, ठीक है। विच पोएट, आप वहीं पे कमेंट कीजिए, वहां पे भी मुझे कमेंट दिख जाता है, YouTube पे भी आपका कमेंट शो होगा। वहां कुछ इशू है। यस, विच पोएट एसोसिएटेड विद हेरलेम रिनाइजेंस, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट है, हेरलेम रिनाइजेंस के जनक माने जाते हैं 1930s के समय, और इन्होंने लिखी थी पोएम द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर। अफ्रीका से आके अमेरिका में बसे और इन्होंने लिखी द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लैंगस्टन ह्यूजेस। लैंगस्टन ह्यूजेस अब वे अफ्रीकन ओरिजन के और अमेरिका में रहते थे। लैंगस्टन ह्यूजेस 1902 में इनका जन्म हुआ, 1967 में इनका निधन हो गया। अमेरिकन पोएट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवलिस्ट, प्ले राइट और कॉलमनिस्ट है। हेरलेम रिनाइजेंस को चलाने वाले यही माने जाते हैं। ये 1920 के आसपास आया, मात्र 18 साल की उम्र में ये मूवमेंट इन्होंने चलाया था। लॉन्गस्टन ह्यूजेस के कुछ फेमस वर्ग है, द नीग्रो स्पीक ऑफ रिवर, 19 साल की उम्र में उन्होंने ये पोएम लिख दी थी, और ये उनका सबसे फेमस वर्क है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। इस पोएम में जो अफ्रीका से आकर अमेरिकन बस गए थे, उनकी हिस्ट्री, उनके एक्सपीरियंस में के बारे में इन्होंने पोएम लिखा। ड्रॉइंग कनेक्शन टू एंशियंट रिवर, इन्होंने उनका कनेक्शन प्राचीन नदियों से बताया, एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन।
वियरी ब्लूज 1926 में इनका पहला पोएट्री कलेक्शन है, वियरी ब्लूज 1926 में पब्लिश हुआ और इसमें मैगजीन लिटरेरी प्राइज इन्हें मिला। इनका बेस्ट नोन वर्क माना जाता है और इससे जैज और ब्लूज म्यूजिक डेराइव हुए। नोट विदाउट लाफर 1930 में आई, ये हजेज का पहला और केवल अकेला नोवेल है, नो विदाउट लाफर। अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस 20th सेंचुरी में क्या रखा, फोकसिंग ऑन ए लाइफ ऑफ ए यंग नेम यंग बॉय सैंडी। सैंडी इसका सेंट्रल कैरेक्टर रहा है नोट विदाउट लाफर का, एक अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर इन्होंने लिखी। द ड्रीम कीपर एंड अदर पोएम्स 1932 में पब्लिश हुई। इट टचेस द ड्रीम एस्पिरेशंस एंड स्ट्रगल फेस बाई अफ्रीकन अमेरिकन ड्यूरिंग दैट पीरियड। अफ्रीकन अमेरिकन को क्या क्या झेलना पड़ा उस बारे में इन्होंने बताया। हु इज नोन फॉर हिज पावरफुल एंड सोशली कंसियस पोएम ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, अमेरिका को अमेरिका रहने दो दोबारा, और नीग्रो आर्टिस्ट एंड द रेशियल माउंटेन, काले घोड़े का जो भेद था रेशियल माउंटेन था, इनका नाम क्या था। तो पहचान ही गए होंगे नीग्रो से आप, इनका नाम है लॉन्गस्टन हजेज। लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन 1936 में इनकी पब्लिश हुई। इट इज द वन ऑफ द हजेज पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, टचिंग द इशू ऑन इनइक्वालिटी सोशल जस्टिस एंड गैप बिटवीन आइडियलाइज विजन ऑफ अमेरिका एंड द हार्स रियलिटी फेस बाई मैनी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। द पोयम इज ए पोइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्रोमिस ऑफ अमेरिका एंड द स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी। किस तरह से फ्रीडम के लिए इक्वलिटी के लिए इन्होंने लड़ाइयां लड़ी वो इन्होंने अपनी पोयम में दर्शाया। विच ब्रिटिश पोएट फेमस फॉर हिज मॉडर्निस्ट वर्क लाइक द वेस्ट लैंड, इसके बारे में तो कई बार आता है आपने पढ़ा भी होगा, कॉन्टिन्यू टू इन्फ्लुएंस पोएट्री ड्यूरिंग 1930s विद हिज प्रोफाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वर्सेस द वेस्ट लैंड। ये किसने लिखी है भाई, इसका सही आंसर तो दे दो। दैट वाज रिटन बाय T.S. Eliot, ये T.S. Eliot ने लिखी है। T.S. Eliot थॉमस स्टर्न्स इलियट, ये इनका पूरा नाम है। 1888 में पैदा हुए और 1965 में अमेरिका में पैदा हुए और इंग्लैंड में मरे। He was a highly influenced poet, essayist, playwriter of the 20th century. T.S. Eliot America में पैदा हुए, England में मरे, American born English, है ना? इन्हें कहा जाता है the love song of J. Alfred Purfrock, 1915 में आया। This poem is considered one of Eliot's early masterpiece, exploring themes of existentialism and modernity के बारे में इन्होंने बताया 1915 में। The Wasteland ये इनकी एक बहुत ही लंबी और कॉम्प्लेक्स पोयम है, इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएट्री। Wasteland इट रिफ्लेक्ट इलियट्स डिसइल्यूजनमेंट विद द पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट सोसाइटी। वर्ल्ड वार फर्स्ट की सोसाइटी के बाद
मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सोसाइटी में क्या इल्यूजन रहा, क्या प्रॉब्लम रही, वो इसको दर्शाता है। द वेस्ट लैंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1922 में आई, एश वेंसडे 1930 में आई, द कलेक्शन ऑफ पोएम मार्क इलियट्स कन्वर्जेशन टू एंग्लिकनिज्म एंड रिफ्लेक्ट ए मोर होपफुल एंड रिलीजियस आउटलुक कंपेयर टू हिज अर्लियर वर्क। ये थोड़ा सा रिलीजियस वर्क इन्होंने लिखा अपने पिछले वर्क के मुकाबले में। फोर क्वार्टर्स, चार कलेक्शन इन्होंने एक साथ पब्लिश किए थे एक सीरीज में, जिसे फोर क्वार्टेट्स बोला जाता है, 1943 में आया था। इसका पहला था बर्नट नॉट्रॉन, दूसरा था ईस्ट कोकर, तीसरा था द ड्राई साल्वेज और चौथी थी लिटिल गिडिंग। दिस कलेक्शन इज कंसीडर्ड ए कल्मिनेशन ऑफ इलियट्स पोएटिक अचीवमेंट। इट एक्सप्लोर द थीम ऑफ टाइम, स्पिरिचुअलिटी एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। बर्नट नॉट्रॉन, ईस्ट कोकर, द ड्राई साल्वेज और लिटिल गिडिंग। टी एस इलियट को 1948 में लिटरेचर का नोबल प्राइज भी मिला था, 1948 में लिटरेचर का नोबल प्राइज भी टी एस इलियट ने जीता था। हु ऑथर्ड द प्ले आवर टाउन, ए क्लासिक अमेरिकन ड्रामा दैट एक्सप्लोर द एवरीबडी एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल इन ए स्मॉल टाउन ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में छोटे शहर कैसे होते थे, अमेरिकन ड्रामा इन्होंने लिखा आवर टाउन के नाम से। इनका नाम क्या है, इनका नाम है थ्रोनटॉन विल्डर। हिज नेम इज थ्रोनटॉन विल्डर। थ्रोनटॉन विल्डर 1897 में पैदा हुए थे, 1975 में 78 साल की एज में इनका निधन हुआ। ठीक है, अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका में ही मेरे मरे। थ्रोनटॉन विल्डर, इनकी पहली नोवेल जिसपे इन्हें 1928 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था, द ब्रिज ऑफ सैन लुइस रे, 1927 में लिखा और 1928 में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल इन पेरू हु लिव्स आर इंटरवाइंड बाय कलेप्स ऑफ ए ब्रिज। एक ब्रिज कलेप्स हो जाता है, उसके बाद पेरू में रहने वाले लोगों ने कैसे अपना जीवन यापन किया जब वो समाज से कट गए, ना कुछ आना ना कुछ जाना, तो ब्रिज कलेप्स होने पे क्या हुआ। अवर टाउन ये सबसे फेमस उनकी पुस्तक है, 1938 में लिखी और इस पे भी उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। इन्हें दो पुलित्जर पुरस्कार मिले, एक मिला था नोवेल पे द ब्रिज ऑफ सैन लुइस रे में और एक अवर टाउन पे। स्मॉल अमेरिकन टाउन्स की लाइफ क्या है वो इन्होंने दर्शाया, द स्किन ऑफ अवर टीथ 1942 में, और ये भी पुलित्जर पुरस्कार मिला। तीन पुलित्जर पुरस्कार इनको मिले। ये थ्री पार्ट एलिग्री है दैट स्पैन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ब्लेंडिंग कॉमेडी एंड ड्रामा, द स्किन ऑफ अवर टीथ। इन तीनों पे इन्हें तीन पुलित्जर पुरस्कार मिले। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है वो कौन से राइटर है जिन्हें तीन बार पुलित्जर मिला। तो देखो, थ्रोनटॉन, थ्रोनटॉन में थ्री देख लो, थ्री थ्रोनटॉन, थ्री थ्रोनटॉन विल्डर ने तीन पुरस्कार जीते। ठीक है, दिस पोएट एसोसिएटेड विद द सदर्न एग्रेरियन मूवमेंट रोट पोएम्स लाइक आई विल टेक माई स्टैंड
एंड वाज नोन फॉर हिज ट्रेडिशनल व्यूज, हु इज ही? अपने पुराने विचारों के लिए जाने जाते थे और इन्होंने एक पोयम लिखी थी, आई विल टेक माई स्टैंड, मैं अपना स्टैंड लेके रहूंगा। इनका नाम क्या था? पुराने ट्रेडिशनल व्यूज को ये मानते थे, सदर्न एग्रेरियन मूवमेंट के जनक माने जाते हैं। इनका नाम था जॉन क्रोवे रैंसम। जॉन क्रोवे रैंसम 1888 में पैदा हुए, 1974 में इनका निधन हो गया, लगभग 77 ईयर की एज में। जॉन क्रोवे रैंसम वाज़ ए की फिगर इन सदर्न लिटरेरी रिनाइजेंस, को फाउंडर ऑफ इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी जर्नल फ्यूजिटिव। एक लिटरेरी जर्नल था फ्यूजिटिव जो इन्होंने चलाया था। ही वाज़ एसोसिएटेड विद एग्रेरियन लिटरेरी मूवमेंट, वाज़ ए लीडिंग एडवोकेट फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड ऑर्डर इन लिटरेचर। ट्रेडिशंस की वकालत किया करते थे लिटरेचर। जॉन क्रोवे रैंसम के कुछ स्पेशल पोएट्री कलेक्शन, इनका पहला था पोयम अबाउट गोड 1919 में, चिल्स एंड फीवर 1924 में लिखा, और इसके बाद ये बढ़िया पोएट स्थापित हो गए थे चिल्स एंड फीवर के बाद। गोड विदाउट थंडर एंड अनऑर्थोडॉक्स डिफेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्सी 1930 में, ए कलेक्शन ऑफ एसे इन विच रैंसम एक्सप्लोर थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल थीम। द वर्ल्ड्स बॉडी 1938 में आया। द पोएट्री कलेक्शन फर्दर सॉलिडिफाइड हिज स्टैंडिंग इन द लिटरेरी वर्ल्ड। विच आयरिश पोएट फेमस फॉर हिज रोल इन आयरिश लिटरेरी रिवाइवल कॉन्टिन्यूड टू प्रोड्यूस नोटेबल वर्क ड्यूरिंग 1930s, इंक्लूडिंग बाइजेंटियम एंड टावर। आयरिश लेखक है, देखो जो यूएसए के हैं लेखक, अफ्रीका के लेखक हैं या आयरलैंड के लेखक हैं, इनका नाम ऑलवेज आप 1930s में देखते हैं। इन्हें 30s पोएट कहते हैं, 30s पोएट, 1930 के पोएट, क्योंकि ज्यादातर इससे पहले अंग्रेजों का ही कब्जा था। इंग्लैंड के ही सारे आपको इंग्लिश में पोएट मिलते थे, लेकिन 1930s में बदलाव आया, अमेरिका के, आयरलैंड के और अफ्रीका के भी। हजेस ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन थे। डब्ल्यू बी येट्स, बाइजेंटियम और टावर इन्होंने लिखी। विलियम बटलर येट्स 1865 में पैदा हुए, डबलिन आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। ये एक आयरिश पोएट थे, प्ले राइटर थे, और 1939 में फ्रांस में इनका निधन हुआ। डब्ल्यू बी ईस्ट आयरिश लिटरेरी रिवाइवल की फिगर माने जाते हैं एंड ए को फाउंडर ऑफ एबे थिएटर। ये इंपॉर्टेंट है, एबे थिएटर के को फाउंडर माने जाते हैं। ही प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग ऑफ मॉडर्न आयरिश लिटरेचर। इनके फेमस वर्क थे 1928 में द टावर। द कलेक्शन ऑफ पोएम रिफ्लेक्ट डब्ल्यू बी ईस्ट इंटरेस्ट इन मिस्टिज्म एंड द इसोटेरिक। दूसरा इनका वर्क था द वाइंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स 1933 में आया। द वॉल्यूम इंक्लूड सम ऑफ इट्स लेटर पोएम शोकेशिंग हिज मैच्योर स्टाइल एंड थीम, क्योंकि मरने से 3-4 साल पहले ही इनका यह आया था पोयम द वाइल्ड स्वान एट कॉले 1919 में आया। 1919 में दिस कलेक्शन इज नोन फॉर हिट्स रिफ्लेक्टिव एंड मेडिटेटिव पोएम्स एड्रेसिंग देम फॉर एजिंग, लव एंड आयरिश हिस्ट्री। द सेकेंड कमिंग 1920 में आया, ए पावरफुल और
एपोकलिप्टिक पोयम दैट रिफ्लेक्ट्स द टर्मोइल ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट एरा। फिर इनका एक आया ए विजन 1925 में, यीट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ मिस्टिज्म एंड हिज इसोटेरिक सिस्टम बेस्ड ऑन हिज वाइफ्स ऑटोमेटिक राइटिंग। डब्ल्यू बी ईट्स रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1923। डब्ल्यू बी ईट्स को नोबेल प्राइज मिला था 1923 में फॉर हिज ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्री के लिए, विच इज हाईली आर्टिस्टिक फॉर्म गिव इंप्रेशन टू द स्पिरिट ऑफ होल नेशन। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1923 में। हु रोट द पोएम डस बाउल ब्लूज दैट विविडली कैप्चर द स्ट्रगल ऑफ पीपल ड्यूरिंग द डस्ट बाउल एरा इन द यूएसए इन 1930s। इनका नाम क्या था? इनका नाम था वुडी गुथरी। वुडी गुथरी, वुडी गुथरी बोर्न इन 1912 इन ओक्लाहोमा। ही वॉज अमेरिकन फोक सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। अमेरिका के फोक सॉन्ग गाते थे और 67 में इनका निधन हुआ मात्र 55 साल की एज में। गुथरी म्यूजिक एंड लिरिक ऑफन रिफ्लेक्ट द सोशल इशू ऑफ हिज टाइम एंड बिकम एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन अमेरिकन फोक म्यूजिक। अमेरिकन फोक म्यूजिक का किंग इन्हें माना गया और उस समय सोशल इशू पे ये अपने लिरिक्स और म्यूजिक को पेश किया करते थे। वुडी गुथरी के जो फेमस वर्क हैं वो है दिस लैंड इज योर लैंड 1940 में, वन ऑफ गुथरीज मोस्ट वेल नोन एंड्यूरिंग सॉन्ग। इट हैज बिकम ए क्लासिक एंड इज ऑफन कंसीडर्ड एन अल्टरनेटिव नेशनल एंथम। इसे अल्टरनेटिव नेशनल एंथम भी कहा गया, दिस लैंड इज योर लैंड। सम ऑफ वुडी गुथरी फेमस वर्क इंक्लूड पास्चर्स ऑफ प्लेंटी 1941 में, ए सॉन्ग दैट स्पीक अबाउट द स्ट्रगल ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द डस्ट बाउल एरा। डिपोर्टी प्लेन रैकेट लास गेटोस 1948 में आया, ए पर्गनेंट सॉन्ग हाईलाइटिंग द प्लाइट ऑफ मैक्सिकन माइग्रेंट वर्कर। मैक्सिको से जो माइग्रेंट वर्कर आए उनके बारे में सॉन्ग था। हार्ड ट्रेवलिन 1944 में आया, रिफ्लेक्टिंग द चैलेंजेस फेस बाय इटिनरेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर ग्लोरी, ये भी 1944 में आया, ए स्पिरिचुअल एंड अपलिफ्टिंग सॉन्ग विद ए मैसेज ऑफ होप एंड प्रिजर्वेंस। विच अमेरिकन पोएट नोन फॉर हिज रीजनलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट स्टाइल, शी रोट द पोएम लाइक द बैलेड ऑफ द हार्प वीवर एंड वॉन 3 पुलित्जर प्राइज। इन्हें 3 पुलित्जर पुरस्कार मिले और द बैलेड ऑफ हार्प वीवर इन्होंने पोएम लिखी थी। इनका नाम है एडना सेंट विंसेंट मिलरी। एडना सेंट विंसेंट मिले 1892 में इनका जन्म हुआ, 50 में इनके निधन हो गया मात्र 58 ईयर की एज में। ये अमेरिकन और ये फेमिनिस्ट वर्स के नाम से जानी जाती है। इनके दो जो पोएम्स थी उसमें फेमिनिस्ट लेडीज के बारे में ज्यादा होता था, ठीक है। एडना सेंट विंसेंट मिले रॉकलैंड यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुई और 50 में न्यूयॉर्क यूएसए में ही इनका निधन हुआ। रेना सेन 1912 में इनका वर्क आया जब ये केवल 20 साल की थी। ये पब्लिश हुई, इनकी पोयम बहुत फेमस हुई। ए फ्यू फिक्स फ्रॉम थिसल 1920 में आई, द कलेक्शन इंक्लूड फेमस पोयम फर्स्ट फिग। इनकी एक बहुत फेमस पोयम हुई फर्स्ट फिग जो इसी कलेक्शन में थी, नॉन फॉर इट्स ओपनिंग लाइन माय कैंडल बर्न्स एट बोथ हैंड्स इट विल नॉट लास्ट द नाइट।
मेरी जो कैंडल है ना दोनों ओर से जल रही है और ये रात को खत्म नहीं होगी, ये रात नोट लास्ट द नाइट, और रात के खत्म होते होते ही ये खत्म हो जाएगी। इन्होंने जीवन के फर्स्ट फिग जीवन के बारे में लिखा कि भाई मेरा जीवन इधर से भी जल रहा है इधर से भी जल रहा और रात खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाएगी। तब ये बहुत ही फेमस रही है लाइन, इसे हम जो है एक इडियम के रूप में भी जानते हैं, कहावत प्रोवर्ब माई कैंडल बर्न्स एट बोथ एंड्स। तो ये किसकी लिखी लाइन है? एडना सेंट विंसेंट मिले की, द बैलेड ऑफ हार्प वीवर 1922 में, जिसके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला 1923 में, फैटल इंटरव्यू 1931 में, मिले की पोएट्री का एक और कलेक्शन था जिसमें लव डिजायर और ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बताया था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिस पोएट एंड प्ले राइट एसोसिएटेड विद द फेडरल थिएटर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग 1930s रोट सोशली एंगेज वर्क्स वेटिंग फॉर लेफ्टी अवेक एंड सिंह, बाएं हाथ वालों के लिए रुको जगो और गाओ, ये बात किसने कही थी? हिज नेम इज क्लिफोर्ड ऑडेट्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो यूजीसी नेट का पेपर आता है उसमें हम सब क्या करते हैं, जॉन कीट्स पढ़ लिया, जॉन मिल्टन पढ़ लिया, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ लिया है ना, और जॉफ्री चौसर को पढ़ लिया है ना, ओल्ड इंग्लिश को पढ़ लिया, लेकिन इस पे हम ध्यान नहीं देते। मैंने देखा है इस वाले में से ही कम से कम 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, 30s के पोएट में थे। तो थोड़ा सा इस और भी ध्यान दे, हो सकता है आपके लिए नया हो ये है ना, तो फिर भी मैंने कोशिश की आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज हो, ज्ञान बढ़े, आपको कई नई चीजें आज पता लगी होंगी। क्लिफोर्ड ऑडेट्स अमेरिकन प्ले राइटर थे, डायरेक्टर भी रहे, 1906 में पैदा हुए, 1963 में मर गए, मात्र 57 साल की एज में। इनके जो फेमस वर्क है वो है वेटिंग फॉर लेफ्टी, वन एक्ट प्ले बोला जाता है इसे, सेट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन इज वन ऑफ द ऑडिट्स अर्लियस्ट एंड मोस्ट एक्लेम्ड वर्क, इट रिफ्लेक्ट हिज सोशल एंड पॉलिटिकल कंसर्न ऑफ द टाइम। अवेक एंड सिंह, ये भी 1935 में लिखा, दिस फुल लेंथ प्ले एक्सप्लोर द स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास Jewish family in the Bronx during 1930, Jewish कैसे 1930 में Bronx में रहा करते थे। Golden Boy 1937 में, a drama about a talented young violinist torn between pursuing a career in music or boxing, music और boxing के बीच फंस गया Golden Boy, which reflecting Odette's interest in the conflicts between art and commerce, ठीक है। द कंट्री गर्ल 1950 में इन्होंने लिखा, ऑडेट्स हैड सक्सेस विद दिस प्ले विच डेल्व्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ शो बिजनेस एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एल्कोहलिक एक्टर अटेम्प्टिंग ए कमबैक, एक जो वाइन पीता था एक्टर और उसने कमबैक कैसे किया, एक सक्सेस प्ले कहा जाता है द कंट्री गर्ल 1950 में, ठीक है। और कल का टॉपिक होगा यूनिवर्सिटी विट्स, तो थोड़ा सा आप भी पढ़ा करें, अपनी तैयारी को क्या करें, अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो बेटर होगा, कल ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई विश कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी, गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। और भैया मेरे चैनल A2Z करियर्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ये चैनल है मेरा, दिखा देता हूं, यूट्यूब चैनल A2Z करियर्स, ठीक है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिसपे आपको सभी क्लासेस मिलेंगी, UGC NET पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है।
एनटीयूजीसी नेट के पिछले सालों के पेपर भी मिलेंगे, तो बेल वाला आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल के नाम से, DRKUMARPUNITGOL। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप, और मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर बता ही दिया है। ये यहां पे आपको लास्ट में जाके मेरा टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, चैनल पे देखेंगे तो मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहां पे ये लिंक है, लिंक्डइन का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, ट्विटर का, और ये मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया होगा। ठीक है, तो जल्दी से ए नंबर वाला 2Z ए टू जेड करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और मैंने बोला है जल्दी से अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए, लिंक कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए आज की क्लास के लिए। हे भगवान, क्या अटक गया भाई।